फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आज हम लोग कहीं ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर को जा रहे हैं बच्चों को लेकर, हमारे साथ बच्चे भी आए हुए हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा ऐसे छोटा मोटा सेलिब्रेशन करके आ जाते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और संडे है, छुट्टी भी, छुट्टी तो बच्चों की वैसे भी छुट्टियाँ ही हैं आजकल। ये हमारा हीरो ये इसके दोस्त, ये बहन है, ये भाई है। देखिए रोड का व्यू, आज कितनी सारी गाड़ियां आ रखी है ना, संडे है ना। हाँ संडे, हम भी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाने वाले हैं, बस यही थोड़ा सा 8-10 किलोमीटर ऊपर। यहाँ तो 8-10 किलोमीटर ऊपर ही जाओ आप लोगों को इतना अच्छा व्यू मिल जाएगा कि मज़ा आ जाएगा। बाबा हो, कितनी ज़ोर से घंटी मार रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैला दिया उसने। हम लोग नैनीताल रोड पर हैं, यहाँ से नैनीताल लगभग 40 किलोमीटर है। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं, ये मेरा जी दो गांव हुआ ना, हम दो गांव पर हैं। तो आपको आगे दिख रहा होगा दो दो रेस्टोरेंट, जंगल फेस्टा, फाइंड मी। अब हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाए, तो हम जा रहे हैं फाइंड मी। ठीक है, फाइनली हमारा डिसाइड हुआ है कि हम फाइंड मी जाते हैं। तो हमारे साथ हैं तीनों बच्चे, मेहरा जी। यहाँ से अंदर गाड़ी जाती है लेकिन हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि थोड़ा सा ये जो ट्रैक है ना, यहाँ से बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, और इसका वीडियो मैं बनाना चाह रही थी। ये देखिए फाइंड मी कैफे एंड कैंप। यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है, ऐसे रास्ता है, ये रास्ता है ऐसे, और हम गाड़ी में भी आ सकते थे लेकिन हमने कहा इस प्यारे सी लोकेशन का मजा हम पैदल ले सकते हैं, और वीडियो भी बनानी थी मुझे, तो इस वजह से मैंने हम पैदल आए। पैदल आना, अगर हम गाड़ी लाते तो सीधे रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते, फिर उतना मजा आता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो पैदल चलने का मजा है ना, थोड़ा सा भी जंगल में मस्त है यार। आप आगे जंगल दिखाओ, ये देखो आगे का सीन, बहुत सारी गाड़ियाँ आई, गाड़ी आ रही है। देखो कितना मस्त लग रहा है जंगल का व्यू, और यहाँ से आगे है रेस्टोरेंट। देखो, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच में एक नदी टाइप की भी दे रखी है, डोखड़ बोलेंगे ना इसे, दे नहीं रखी है, गधेरा है। हाँ, ये देखो ये जो भी रेस्टोरेंट बना है, तो अब हम पानी में तो जाएंगे, वहाँ से कहीं से आ रहा है पानी, और ये देखो यहाँ से नीचे कहाँ जा रहा है, पानी काफी ठंडा है, पानी काफी ठंडा था और बहुत मजा आया। इन लोगों को देखो कूदने में लगे हैं। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं फाइंड मी। यह टायर वगैरह रख के इसमें बैठ के इसमें चलो ना। बैठ के कैसे चलोगे इसमें? चलो। हाँ। तो देखो जो भी आ रहा है उनके हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं। और पिछली बार भी हम यहीं पर बैठे थे, तो अभी भी हम यहीं पर बैठते हैं, ये रख दो सामान, और ये यहाँ पे वॉशरूम है, और यहाँ से आप नीचे जो गधेरा आ रहा है वहाँ पे जा सकते हैं आप। वो देखो आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है पानी की। और ये इन्होंने एक यहाँ पे पुराने जैसे उत्तराखंड में होते थे घर, उस टाइप से बना रखा है बैम्बू टाइप का, और ये दोनों यहाँ पे खेलने में लगे हैं। आज छत तोड़ दोगे तुम तीनों है? और ये देखो यहाँ से चारों तरफ का मौसम, वो पूरे धुंध आने लग गई है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही ना के बराबर, वरना तो भीग जाता मैं अभी तक। और ये मिसेस तिम्मो नीचे घूमते हुए, जो इन्होंने यहाँ पे झोपड़ी बना रखी है, अब मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ।
ओ बिल्कुल अंधेरा हो रहा है यहाँ तो ये देखिए आराम से यहाँ बैठने के लिए बड़ा सही बना रखा है। वाओ और अगर आपको यहाँ से ऊपर जाना है दो मंजिले में तो ये देखो कितना मस्त बना रखा है। तो ये बिल्कुल ऊपर भी बिल्कुल सेम वैसे ही बना हुआ है। हाँ क्या चाहिए आप लोगों को? हमें दो गिलास पानी। और पानी तो घर में भी पी के आयो। पानी तो नीचे गजरे में बह रहा है। थाली थाली कौन खाता है? तो ये देखो हमारी हर्षाली यहाँ पे झूला झूलते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा। और यहाँ बच्चों के लिए क्या ऐसे बैठने के लिए ये सोचते हैं झूला है हमारे लिए बैठने के लिए। देखो यहाँ पे भी है वहाँ भी है ये ऊपर भी है और वो नीचे वहाँ तक। अब इसको उतारो चलो उतरो फिर। आज फ्रेंडशिप डे है तो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं फ्रेंडशिप डे। वैसे तो फ्रेंड यहाँ पे अंशु और सुमित हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड तिमो। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो केक काटो तुम दोनों तीनों हाथ लगाओ। ओके हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हमेशा ऐसी दोस्त रहना मुस्कुराते रहना। जी रिया जग रिया मिल रिया प्यार भिट नहीं रहा। ओके सॉरी बस काटते रहोगे क्या? अरे कर क्या रहे हो तुम? ऐसा लग रहा है पोस्टमार्टम कर रहे होगे। तो तिमो आप इसको बांटो। ये है प्लेट्स ले। अब अंशु तू हर्षो को खिला। हाँ तुम दोनों हर्षो को खिलाओ। देखो कितना बड़ा मुंह खोल रखा है हर्षो ने। अब मत खिलाओ इसको निकाल लो हाथ। अरे खिला दो यार खिला दो। तो ये देखो चौमीन आई नहीं कि हर्षु ने सबसे पहले अपनी प्लेट लगा ली। ये प्लेट हमने नहीं इसी ने बोला कि पहले मुझे दो सबसे। हैं हर्षु आजकल के बच्चे तो ये खाते हैं चटर पटर। ये देखो ये सीधे आते ही बोल ले चौमीन खाएंगे। और तिम्मो चौमीन खाती है नहीं तो हमने ऑर्डर कर रखा है कढ़ाई पनीर और रोटियाँ। थोड़ी देर में आएंगी फिर हम खाएंगे फिर तिम्मो खाएगी। मैं तो थोड़ा ये चखी लूँगा। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है हमारा कढ़ाई पनीर और रोटियाँ जो कि इनने बहुत जल्दी दे दिया। तो ये तीनों फोटो सेशन करवा रहे हैं अपना। तो स्टार्ट करते हैं खाना। तो होने लगी हल्की हल्की सी बारिश। वैसे यहाँ पे पेड़ हैं तो यहाँ पे भी ऐसा ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है। हल्की हल्की हो रही है बहुत ही। और अब हम लोग जा रहे हैं ये जो ऊपर से मैंने आपको दिखाया था वो गधेरे का जो पानी आता है ये देखो कितना मस्त है यार यहाँ पे ना। ज़्यादा उधर को मत जाना गिरोगे। पता लग रहा है जो ये लोग बोल रहे हैं उसकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है क्योंकि पीछे बहुत शोर है पानी का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए।